हेलो एवरीवन, मैं हूं बबीता और मेरी हेल्दी कल किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दियों की खास रेसिपी अलसी और बाजरा की पंजीरी। इनका सर्दियों में सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अलसी में बहुत अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 और फाइबर होता है, जो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर को मैनेज करने में हेल्प करता है। वहीं बाजरा एक ग्लूटेन फ्री ग्रेन है, जिसे हम पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन, आयरन और जिंक होता है, जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिससे कि हमारा बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो सर्दियों में इनको जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड करें और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। अलसी और बाजरे की पंजीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन को गैस पे रख दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे 100 ग्राम अलसी, जिसे हम फ्लैक्स सीड्स भी बोलते हैं। फ्लेम को हम लो रखेंगे और इसको हम ड्राई रोस्ट करेंगे 1-2 मिनट के लिए। कुछ सेकंड्स के बाद आप देखेंगे कि इसमें से चटकने की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो आपको इसको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको 1-2 मिनट तक ही रोस्ट करना है। अलसी हमारी रोस्ट हो गई है तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब पैन में हम 2 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे और इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम गोंद। इसको भी हम लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि गोंद हमारी फूल गई है और इसको हल्का गुलाबी रंग होने तक हम थोड़ा सा और रोस्ट करेंगे। तो गोंद हमारा अच्छे से गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 25 ग्राम मगज और इनको भी अच्छे से हम कुछ सेकंड्स के लिए रोस्ट कर लेंगे। तो दोनों चीज हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम इसको एक बॉल में निकाल लेते हैं। 2 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे। अभी हम डालेंगे 50 ग्राम मखाना। मखाने को भी हमें लो फ्लेम पर रोस्ट करना है, जब तक ये बिल्कुल हल्के गुलाबी और क्रिस्पी ना हो जाएं। फ्लेम को ज़्यादा बिल्कुल ना करें, नहीं तो मखाने जल जाएंगे। और इसमें मुझे टोटल समय लगा है 4-5 मिनट में मखाने रोस्ट हुए हैं, तो इनको भी हम उसी बॉल में निकाल कर रख लेते हैं। अब पैन में हम 1 टेबलस्पून घी और ऐड करेंगे और उसमें हम डालेंगे 50 ग्राम कटे हुए बादाम। इनको भी हम 1-2 मिनट तक रोस्ट कर लेंगे। और अब यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं 50 ग्राम ड्राई कोकोनट फ्लेक्स। ये मैंने जो ड्राई कोकोनट होता है उसको ही कसकर डाला है। इसको भी कुछ सेकंड्स के लिए हम रोस्ट कर लेंगे। तो सब चीजें अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इनको भी हम उसी बॉल में निकाल लेते हैं। इसी पैन में हम बाकी बचा हुआ घी ऐड कर देंगे। घी एक बार गर्म हो जाएगा तो हम इसमें 250 ग्राम बाजरा का आटा ऐड करेंगे। इसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। आटे को हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक कि इसका कलर हल्का गुलाबी ना हो जाए और इसमें से कच्चेपन की स्मेल ना निकल जाए। तो मुझे लगभग 7-8 मिनट हो गए हैं आटे को रोस्ट करते हुए और देखिए इसका रंग भी चेंज हो गया है, उसमें से बहुत अच्छी भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। तो अब गैस को बंद कर देंगे और आटे को हम साइड में रख देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। तो अलसी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब हम इसको एक ग्राइंडर जार में डालकर इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है, इसको साइड में रख लेते हैं। अब एक पैन को मैं लो फ्लेम पर रखूंगी और इसमें ऐड करेंगे हम 200 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने थोड़ा सा क्रश कर दिया था ताकि इजिली मेल्ट हो सके। और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को मेल्ट करना है अच्छे से। तो देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे। अब जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने भून कर रखे थे उनको बाजरे के आटे में मिक्स कर लेंगे और गुड़ का मिक्सचर भी हमारा थोड़ा ठंडा हो गया है तो उसको भी इसमें डाल देंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी ग्राइंड की हुई अलसी या फ्लैक्स सीड्स और इनको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सारी चीजें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो हमारी बहुत ही टेस्टी अलसी और बाजरे की पंजीरी तैयार हो गई है। आप इसको अच्छे से ठंडा करके एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई इजी और हेल्दी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड